वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है बच्चों आज हम क्लास एलेवन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर नाइन कह लीजिए या यूनिट नाइन कह लीजिए ये वाली यूनिट हमारी चल रही है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रनरशिप स्मॉल बिजनेस के बारे में मैंने दो तीन वीडियो बना रखी हैं इस वीडियो के एंड में उसको आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल पे जाके आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक न्यू टॉपिक है एक नया कॉन्सेप्ट आया है एक नया सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं करिकुलम भी बोल सकते हैं डेली गवर्नमेंट ने भी इसको लॉन्च किया हुआ है इसको बोलते हैं एंटरप्रियोरशिप उद्यमिता हिंदी में बोलते हैं इसको तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसका नाम है एंटरप्रनोरशिप डेवलपमेंट उद्यमिता विकास ये ई के नाम से एंटरप्रिनरशिप माइंडसेट करिकुलम सभी डेली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें ये जो एक करिकुलम है चल रहा है इसका सब्जेक्टिव वाइज एकेडमिक वाइज कोई एग्जाम नहीं है बट फिर भी ये बच्चों को पढ़ाया जाता है इसमें पाँच मिनट में माइंडफुलनेस जिसे मेडिटेशन बोलते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं खैर उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे नया टॉपिक है काफ़ी <coughs> अच्छा टॉपिक है लेट अस स्टार्ट आइए स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेनोरशिप डेवलपमेंट होता क्या है एंटरप्रनरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ वंस ऑन बिजनेस ये जो नाम है इंटरप्ररशिप ये एक प्रोसेस है एक व्यक्ति अपने खुद का बिजनेस जब स्टार्ट करता है सेटिंग अप करता है इस प्रोसेस को ही एंटरप्रनियरशिप का नाम दिया गया है उद्यमिता का नाम दिया गया है द पर्सन हु सेट्स बिजनेस जो बिजनेस सेट करता है स्टार्ट करता है उसको एंटरप्रनियर कहते हैं एंड द आउटकम ऑफ द प्रोसेस बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एंटरप्राइज और जिस बिजनेस यूनिट को वो स्टार्ट करता है या जिस प्रोसेस के थ्रू बिजनेस करेगा उसको बोला जाता है एंटरप्राइज और ये है आपका एंटरप्रनियरशिप या उद्यमिता बोलते हैं इसको मी ता हिंदी में बोला जाता है ठीक द वर्ड एंटरप्रनर इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन विच मीन्स टू अंडरटेक ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जो वर्ड डराइवड हुआ है और इसका मतलब होता है अंडरटेक करना किसी भी चीज को लेना अंडरटेक करना अब एंटरप्रनर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज द बिजनेस अंडरटेक्स द रिस्क एंड एंजॉयज द प्रॉफिट रिचर्ड कैंटिलन फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे ये इनके अब पिक्चर देख रहे होंगे तो ये कह रहा है ये एक वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है रिस्क को लेता है और उसका जो रिजल्ट आता है प्रॉफिट उसको एंजॉय करता है ठीक आगे कह रहा है एंड एंटरप्रन इज बेसिकली अ बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन ही होता है एंड ही ब्रिंग्स टुगेदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इसको शॉर्ट में बोला जाता है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रिनशिप दिस वन वन टू थ्री और चौथा ये जो वर्ड ऑर्गेनाइज़ेट कौन करता है ऑर्गेनाइज ये एंटरप्रनियर तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रनरशिप इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते हो कि और इनके रिवार्ड होते हैं अलग अलग लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्र्टरप्रीनरशिप को जो बदले में मिलता है उसको प्रॉफिट कहते हैं ठीक है तो ये बेसिकली एक बिजनेसमैन ही होता है जो जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं या आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब तक ये चारों प्रोडक्शन एक साथ नहीं आते प्रोडक्शन नहीं हो सकता लैंड भी चाहिए उसके लिए लेबर भी चाहिए उसके लिए कैपिटल भी लगानी पड़ेगी और जो इन सब कामों को मैनेज करेगा उसको हम बोलते हैं एंट्रप्रनियर या बिजनेसमैन आगे नेक्स्ट कह रहा है एन एंट्रप्रेनर इज अ मोर देन अ बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन से ज़्यादा ही होता है इफ़ अ बिजनेसमैन ब्रिंग्स सम इनोवेशन टू हिज एक्टिविटीज़ एंड आईज ऑन द वैल्यू ऑफ एडिशन टू हिज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ही इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर खाली एक बिजनेसमैन ही नहीं कहा जा सकता उससे भी ज़्यादा होता है जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी नई नई तरीके नए नए इनोवेशन लाता है नए नए तरीके से नए नए आइडिया से उन ध्यान रखता है अपने बिजनेस पे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज में अपना दिमाग लगाता है और एडिशनल करता है तो उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं ठीक है तो ऑल एंटरप्रेन्योर आर बिजनेसमैन है जितने भी हैं बिजनेसमैन हैं बट ऑल बिजनेसमैन आर नॉट एंटरप्रेनियर जो पुराने ट्रेडिशन वाले बिजनेस करें उन्हें एंटरप्रेन्योर ही कह सकते हैं लेकिन जो नए नए आइडिया क्रिएटिव तरीके से बिजनेस करते हैं उनको हम बिजनेसमैन uh, कह सकते हैं इसलिए एक एक फ्रेज है कि ऑल किनियर्स आर द बिजनेसमैन बट ऑल बिजनेसमैन आर नॉट द एंटरप्रनियस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है ये होता है इज द प्रोसेसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट did individual undertake to initiate maintain ऑर्गेनाइज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस यूनिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज जो बात पीछे पड़ी है उसमें कोई अलग ही नहीं है कि एक वो एंटरपनियरशिप एक वो एक्टिविटी होती है जिसमें एक ग्रुप या एक व्यक्ति अकेला खुद या उसका पूरा ग्रुप या एसोसिएटेड इंडिविजुअल जो होते हैं वो किसी भी काम को इनिशिएट करते हैं उसको मेनटेन करते हैं उससे प्रॉफिट कमाते हैं उस बिजनेस यूनिट को चलाते हैं उसमें या तो वो प्रोडक्शन करते हैं या वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या गुड सर्विसेज को तो उसको एंटरप्रनियरशिप बोला जाता है अब इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए आप आई होप आपको समझ में आया होगा है होती क्या है तो एंटरपनरशिप के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं नंबर वन सिस्टमेटिक एक्टिविटी है सेकेंड लॉफुल एंड परपजफुल एक्टिविटी है थर्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इसमें इंक्लूड है फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन और नंबर फाइव रिस्क टेकिंग आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं नंबर वन सिस्टमैटिक एक्टिविटी एंटरपनरशिप इज अस्टमैटिक एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है इसमें स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पजफुल एक्टिविटी होती है ऐसा नहीं कि कैसा कुछ भी कर लिया एक स्किल तरीके से नॉलेज चाहिए आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए विच कैन बी एक्वाय लर्न डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों से आती है एडुकेशन से ट्रेनिंग से ऑब्जर्वेशन से एक्सपीरियंस से तो ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है ऐसे नहीं कि अब तक के मारे अब हवा में नहीं आपकी नॉलेज जो आपने पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड जो आपने कुछ नया सीखा उससे जो आप नए नए इनोवेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेस पर उसके बेस पर ट्रेनिंग से ऑब्जर्वेशन से एक्सपीरियंस से आती है तो वी कैन से द एंटरप्रनियर्स आर मेड बट नॉट बॉर्न एंटरप्रनियर्स बनाए जाते हैं जन्म से ही नहीं होते हैं नंबर सेकेंड लॉफुल एंड परपसफुल एक्टिविटी है ये एक एंटरप्रनरशिप द एम ऑफ एंटरप्रनरशिप इज़ टू रन अ लॉफुल बिजनेस एक बिजनेस को लॉफुल तरीके से या लॉफुल बिजनेस को चलाना ही एक तरह से है तो लॉफुल और परपसल एक्टिविटी होती है नंबर थर्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इसमें इनोवेशन होता है किस नई नई चीज़ों को लाना और क्रिएटिविटी आपके अंदर जो भी कला है उसको बाहर निकालना तो एंटरप्रनरशिप हमेशा इनोवेशन लाता है और क्रिएटिविटी लाता है बिजनेस में नए नए आइडियाज़ नए नए तरीके नए नए मेथड्स तो इसको एंटरप्रनरशिप बोला जाता है जो सिंपल ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती थी जब इनमें ये जुड़ जाती है तो ये एंटरप्रनियरशिप बन जाती है ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन इसमें प्रोडक्शन क्या होता है आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है द एंटरप्रीनियर ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ द बिजनेस एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दज ही ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ तो वो अपने आइडियाज लाता है बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस को ऑर्गेनाइज़ करता है तो उसको बोला जाता है ए प्रोडक्शन एक्टिविटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है नंबर फिफ्थ है रिस्क टेकिंग ये तो किसी भी बिजनेस का एंटरप्रेन्योर कह लो या बिजनेस का मेन फंक्शन होता है द एंटरप्रनरशिप टेक्स ऑल द रिस्क सारे के सारे रिस्क उठाता है इन द बिजनेस में एज ही ब्रिंग्स ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कैपिटल क्योंकि सारे के सारे फैक्टर हैं जितने भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेनरशिप पढ़ी रहे थे अभी ये तो ये सब के सब वो लगाता है इसलिए उस इसका जो तो रिवार्ड होता है रिस्क जो भी उठाता है उसका रिवार्ड जो मिलता है प्रॉफिट की फॉर्म में मिलता है तो ये सारा एंट्रप्रीनरशिप की फीचर्स हैं इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा छोटा बेल बैल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे ही इनफॉर्मेटिव मिले समय तक आपको मिल सके फॉर फोर का इन्फॉर्मेशन ये यूनिट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म है एक दो वीडियो और इसकी रह रही हैं बहुत जल्दी बिजनेस स्टडी का सिलेबस खत्म हो जाएगा और अकाउंटेंसी के भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि प्रोविजन एंड रिजर्व तक उससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सारे कवर हो चुके हैं आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने ट्वेल्थ में अकाउंट बिजनेस में, में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं प्रोजेक्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं तो आप कॉमर्स में स्पेशली बिजनेस और अकाउंट मेरे चैनल से जुड़े रहे और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद